है और मुझे एक तरह से पीड़ा होती है, दुख होता है कि राजस्थान के 9 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति नहीं मिला राजस्थानी जिसको चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। आप सोचिए बाहरी आदमी क्या काम कर सकता है। तो भाई ललित जी एक युवा है, युवाओं के अंदर शक्ति है, अभी मुंडावर से भी चुनाव जीत के आए हैं और वो भली भांति जानते हैं कि क्या समस्या राजगढ़ में है, क्या समस्या लक्ष्मणगढ़ में है, क्या रामगढ़ के अंदर है, क्या मुंडावर में है, क्या नहीं। नहीं नहीं, संदीप यादव जी ने खुद ने ही ललित यादव जी का नाम प्रपोज करा था, मेरे पास खुद आए थे, AICC में आए थे, उनने खुद ने प्रपोज करा था। डॉक्टर करण सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो कैंपेन मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है। अब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नाराजगी रहती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ रात और दिन मेहनत करेंगे, आप खुद उसको देखेंगे। चुनाव लड़ रहे और एक तरफ युवा, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा चुनाव? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है और मुझे एक तरह से पीड़ा होती है, दुख होता है कि राजस्थान के 9 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति नहीं मिला राजस्थानी जिसको चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा। आप सोचिए बाहरी आदमी क्या काम कर सकता है, उसके दिल में दर्द नहीं है अलवर के लिए। उससे आप पूछिए होप सरगस का है तो वो नहीं जानता, उसको आप कहिए मोती डूंगरी का है उसको वो नहीं जानता है, वो क्या भला करने वाला है। तो भाई ललित जी एक युवा है, युवाओं के अंदर शक्ति है, अभी मुंडावर से भी चुनाव जीत के आए हैं और वो भली भांति जानते हैं कि क्या समस्या राजगढ़ में है, क्या समस्या लक्ष्मणगढ़ में है, क्या रामगढ़ के अंदर है, क्या मुंडावर में है, क्या किशनगढ़ में है, या बहरोड़ के अंदर है, या तिजारा के अंदर है, वो सब वहाँ की समस्याएं जानते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है अलवर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बाहरी आदमियों को अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ललित यादव को टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस में भी बगावती सूर दिख रहे हैं, जैसे कि आप जिला प्रमुख समर्थन दे चुके हैं भूपेंद्र यादव को, और संदीप यादव और करण सिंह जी का भी एक बयान अखबार में छपा है। नहीं नहीं नहीं, संदीप यादव जी ने खुद ने ही ललित यादव जी का नाम प्रपोज करा था, मेरे पास खुद आए थे, AICC में आए थे, उनने खुद ने प्रपोज करा था। डॉक्टर करण सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, वो कैंपेन मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई है। अब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा नाराजगी रहती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ रात और दिन मेहनत करेंगे, आप खुद उसको देखेंगे। ये मैं जिला प्रमुख ने भी आज समर्थन दे दिया। नहीं, समर्थन उनने नहीं दिया है, कोई साथ में कोई किसी के घर आ जाता है तो फोटो वोटो खिंच जाती है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता चुनाव खुद लड़ेगा, सिर्फ ललित नहीं लड़ रहा है, आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। राजस्थान में कितनी सीटों पर लगभग जीत माने आप देखेंगे? अभी हमारे पास शून्य सीट है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा राजस्थान।